हेलो गाइस, आज मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब। इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूँगा R1 कंपनी R1 RCM का। ये है वेलकम किट और ये है उसका सिस्टम। तो मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है R1 RCM, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो R1 की तरफ से ये वेलकम किट और ये अभी पता नहीं लैपटॉप है कंप्यूटर है, वैसे मुझे पता है लैपटॉप ही है, तो उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। R1 RCM इसकी रैपिंग तो बहुत खतरनाक तरीके से कर रखी है, तो देखते हैं अनरैप करते हैं। नहीं, पहले खोलते हैं इसको। ये R1 की कीप ऑन अमेजिंग, ये इसको हम साइड में करते हैं। पहले देखते हैं एक ये फॉर्म सा देखे गया है, वो जिन्होंने डिलीवरी की थी इसकी, ये कुछ ऐसा दिखते है। ये थोड़ा इसमें से मिलता है कि आपको गेन फॉर मोर देन रिवेन्यू, बाकी सब कुछ पेपर्स हैं। वेलकम यू, बाकी हम बाद में देखेंगे, कैसे देखते क्या करेंगे। इसमें से एक मिलता है बॉक्स, और इस बॉक्स में देखो क्या बॉक्स में है। एक कम ये नहीं पता ये कॉफ़ी मग है या फिर चाय वाला कप है, देखते हैं जो भी। एक और सर, सर दो मग दिए कॉफ़ी मग, एक टूट जाए तो दूसरा इस्तेमाल करना, ठीक है। देखते हैं आपको, ये मास्क है R1 की तरफ से जिसके ऊपर R1 की ब्रांडिंग है और कीप ऑन अमेजिंग भी लिखा हुआ है। सेम इस पर एक और मास्क है, सेम वैसे ही है। ये साइज से बॉटल है, उन्होंने काफ़ी अच्छा ख्याल रखा हुआ कंपनी वालों ने। अच्छा, ब्लैक कलर की बॉटल है, मेटल की है, आई होप ये स्टील की हो, ऐसी कुछ दिखती है। इस पर भी R1 की ब्रांडिंग है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का सामान है जो भी दिया है R1 ने। और ये इसमें और कुछ नहीं बाकी है, बाकी ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। एक ये दिया, एक दो कप हैं और दो हैं मास्क, ठीक है। मेरे को मास्क भी नहीं था तो मास्क मिल गया है मुझे यहाँ से, मैं इसी का यूज़ करूँगा। देखते हैं, इसको मैं साइड करता हूँ। बाकी अब तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं, खोलते हैं इसको, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या। मेरे को करी टेपिंग वगैरह कर रखी है ताकि ये ख़राब ना हो, बबल रैप कर रखा। देखते हैं लैपटॉप ब्रांड न्यू है या यूज्ड है, देखते कंपनी में क्या बोल तो दिया है। सर बबल रैप ना फोन में बहुत मजा आता है, मुझे नहीं सभी को आता है, देखते हैं। तो इसलिए मैं अच्छे से निकाल रहा हूँ, तो ज़्यादा ही बड़ा बैग रखता है। फ्रंट
फाइनली ये एसपी की तरफ से बैग है। इन्होंने बैग मतलब एसपी का ही दे रखा, एसपी का बैग है और कंप्यूटर और डैन का। इस ऐसे की बता नहीं, इस ऐसे स्क्रीन होगी, एक और स्क्रीन होता है ना, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ लग रहा है, कुछ तो है। इसके अंदर कुछ इसे एक्सटेंशन बोर्ड कहते हैं। काफ़ी ख्याल रखा है कंपनी वालों ने ताकि हमें कहीं भी कुछ भी खरीदने की जरूरत ना पड़े। क्या बात, क्या हो, दिस इज अ हेडफोन, क्या हुआ मान, इन्होंने हेडफोन दिया हुआ है ठीक है विद माइक वाला। इसकी क्या ब्रांडिंग है, जैबरा का दिया हुआ है, पता नहीं जैबरा कितना महंगा होता है, मुझे तो नहीं पता वैसे, लेकिन तब पता काफ़ी महंगा होता है। तो हम बाद में दिखा दूँगा कभी यूज़ करके वैसे, ठीक है वैसे बता दूँगा। उसके अलावा ये वायर दी हुई है, इंटरनेट वायर जो अपने वो अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट करके और बैग यूज कर, क्योंकि जैसे वाईफाई नेटवर्क पूरी हमारे की माउस दिया हुआ है एचपी का, वो भी बहुत अच्छी माउस एचपी का है। अभी देखना ये वायर वाला है, ये वायर्ड है, वायर्ड माउस है ठीक है। माउस खोल के देखो, और कुछ तो नहीं दे रखा बैग में, यही सब था। तो फिर बैग भी काफ़ी अच्छा है एचपी की तरफ से रहता है। अब तो फिलहाल वर्क फ्रॉम होम है तो घर से ही करना पड़े, बस बैग के अंदर अब खोलते हैं। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ, सबसे उधर से सीधा ये जो एच डी एम आई केबल है ठीक है, ये ताकि स्क्रीन से कनेक्ट कर सके। और ये स्क्रीन का वो है स्टैंड है जो एक दीवार पे लगता है वैसे, तो वापस डालूंगी। इसके अंदर ये भी स्क्रीन, ये स्क्रीन ही है, इस पेपर है, और ये है स्क्रीन, डेल की स्क्रीन है ठीक है, डेल की स्क्रीन है। स्क्रीन में दिखाता हूँ बाकी और कुछ देखो, तो देखते हैं बैग में क्या होता है। ये वही पैड है जिसके ऊपर ये स्क्रीन खड़ी होती है ठीक है, ऐसे स्टैंड है। बाकी ये पावर केबल है, इसको भी खरीद सकते हैं।
I mean, this is what? This is a laptop. अंदर देखने में ऐसा कुछ है। ये पावर केबल, ये चार्जर है इसका। एचपी का है चार्जर और कुछ इसका नहीं है इसके अंदर। खाली खाली बॉक्स है। अब ये अंडों की ट्रे में फंसा हुआ एक बवाल है। कुछ पेपर्स हैं, पेपर का क्या करना है देख लेंगे। कुछ पेपर हो गया इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन। ये भी बटन है, ये भी बटन के साथ आ रहा है। ब्रांड न्यू लैपटॉप देखते हैं। इसके ये है थिन क्लाइंट, थिन क्लाइंट सेटअप प्रोसेस। बाकी बुक लॉकर पेंट वही देखते हैं। वही कुछ पेपर है इसके बारे में दे रखा है उन्होंने कैसे यूज करना है। बाकी ये इसके इसके ऊपर ताकि ये बटन ना छपे स्क्रीन पर। बिट लॉकर पिन ये उसका नंबर है, ये मुझे नहीं पता अभी किस काम आएगा। बाकी ये है लैपटॉप जो है, ये प्रो बुक है कोई, ये प्रो बुक है। साइड से देखें ये साइड से मतलब 10 में आता है। स्टार्ट करते हैं इसको लेट्स हैव अ लुक। अच्छा बिट बिट लॉकर, बिट लॉकर ये रहा उसका नंबर। खुल गए काफी अच्छी ब्रांडिंग है। कंट्रोल ऑल्ट प्लस प्लस तो अभी तो ये यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह मांग रहा है तो हम उसको बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गाइस यही था, इसके बाद हम बाद में देखते हैं।